अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था टाउन प्लानिंग के बारे में, सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स के बारे में, कि वहाँ पे जो जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, जो जो राजा महाराजा समझो हम बोल सकते हैं वो हुआ करते थे, जो ट्राइबल पीपल्स मीन्स अगर हम बोल सकते हैं, यानी ट्राइबल पीपल नहीं, हमें हम कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि जब वहाँ पे जो लोग रहते उनके हेड हुआ करते थे, वो फोर्ट्रेसेस में रहते थे, जो फोर्ट्रेसेस ऊँची जगहों पर हुआ करते थे, और लोअर प्लेसेस पे जो है वो लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे। अब स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो द स्ट्रीट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लेड डाउन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीट्स स्ट्रेट लाइन में होती थी, कटिंग ईच अदर्स एट राइट एंगल, मींस इस तरीके से पहले इधर से फिर इस तरीके से प्लस में हम बोल सकते हैं, एंड डिवाइडिंग द सिटी इनटू ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स मींस ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे हम ब्लॉक्स बोल सकते हैं। अब घर कैसे हुआ करते थे, हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स होता है ना, ईंटों के बने हुए थे, होते थे। देवर इधर सिंगल स्टोरी या तो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी हुआ करती थी। ईच हाउस हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, बीच में वहीं से ग्रेट गैलरी जैसी होती थी, एंड रूम्स ओपनिंग इनटू इट, और जहाँ से रूम्स की ओपनिंग हुआ करती थी। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं, मीन ये हमारे पास घर है, ये गैलरी है, यहाँ से इधर भी दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा, इधर भी है डोर रखा करते थे, ठीक है। ईच हाउस हैज अ सेंट्रल कोर्टयार्ड एंड रूम्स ओपनिंग इनटू इट, दिस वॉल केप्ट द रूम्स कूल इन द हीट एंड समर, और ये दीवारें जो है वो गर्मी में उसको ठंडा रखती थी। विंडोज नेवर ओपन इनटू द मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट की तरफ विंडोज नहीं हुआ करते थे, दिस केप्ट आउट डस्ट एंड नॉइज, जिसकी वजह से वहाँ से डस्ट आए या नॉइज है, साइड विंडोज जो है लेट इन लाइट एंड या साइड विंडोज हुआ करते थे, जहाँ से जो है रोशनी और हवा आती थी। द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ्स, फ्लैट रूफ मीन बिल्कुल जैसे आज हम देखेंगे जैसे जम्मू में फ्लैट रूफ्स हैं, ठीक है। देयर वर वेल्स, बाथिंग प्लेसेस, कुएँ थे, नहाने की जगहें थी, एंड ड्रेन्स एंड पानी निकालने की जगह थी मोस्ट ऑफ द हाउसेज, बहुत सारे घरों में। अब ड्रेनेज, ड्रेनेज जो होता है पानी को बाहर निकालने, पानी को चलाने यानी बाहर निकालने का जरिया। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ किल्न फायर्ड और बेग्ड, बेग्ड ब्रिक्स मीन्स किसको हम बोलते हैं, यानी पकी हुई जो है ईंटें होती हैं, एंड वर कवर्ड और उनको ढका ढक के रखा हुआ होता था। दे हैड अ स्लाइट स्लांट सो दैट वाटर कुड ईजली फ्लो थ्रू देम। द ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन इन द स्ट्रीट, क्या होता था छोटी छोटी ड्रेन्स होती थी, छोटी छोटी ड्रेन फिर क्या होता था एक बड़ी ड्रेन में वो मिलके जो है वो आगे चली जाती थी। अब ग्रेट बाथ्स एट मोहनजोदड़ो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ अ ह्यूज पब्लिक टैंक, बहुत बड़ा उनको पब्लिक टैंक वहाँ मिला इन द सिटाडेल माउंट कॉल्ड द, जिसको जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, ग्रेट बाथ दिया। तो द फ्लोर ऑफ द टैंक वॉज मेड ऑफ बर्नड ब्रिक, जो उसका फर्श है वो बर्नड ब्रिक जली हुई ईंटों से बनाया गया है, यानी पक्की हुई ईंटों से। द टैंक हैड सिक्स एंट्रेंसेज, कितने एंट्रेंसेज उसके हैं, सिक्स एंट्रेंसेज एंड सेंट्रल बाथिंग, और बीच में उसमें बाथिंग एरिया है। देयर वर स्टेयर्स, और उसमें क्या है सीढ़ियाँ हैं ऑन बोथ एंड्स अलोंग द साइड, जैसे यहाँ पे हैं, अच्छा, देयर वर स्टेयर्स ऑन बोथ एंड अलोंग विद साइड रूम एज वेल, ऑल्सो है ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन वन ऑफ द एडजेसेंट रूम्स। वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टैंक हैज एन आउटलेट कनेक्टेड टू अ ड्रेन, अ सिमिलर वाटर टैंक हैज ऑल्सो बीन फाउंडेड धोलावीरा। अब क्या होता है कि क्या उन्होंने कहा वहाँ पे कि जो बड़े जो टैंक जो वहाँ पे जो बाथ वहाँ पे होता था, तो उसमें क्या होता था, उसमें बहुत चारों तरफ से जो है वो सीढ़ियाँ हुआ करती थी नीचे उसमें आने के लिए, जैसे कि पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी नीचे उतरने का, और यहाँ से क्या एक जगह से क्या होता था कि पानी को बाहर निकालने का जरिया भी रखा जाता था। द ग्रेट बाथ्स वर प्रॉपरली यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनी, और ये सबसे ज़्यादा कब इस्तेमाल किए जाते थे, जब कोई फंक्शन होता था, कोई जो है वो किसी कोई शादी हम बोल सकते हैं या रिलीजियस कोई फंक्शन होता था, उस टाइम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था।